हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की जो हमारी ये वीडियो रहने वाली है, आज हम बात करने वाले हैं कार इंजन फ्लश की। बहुत से लोग, लास्ट मैंने वीडियो अपलोड किया था एक पूरी कार सर्विसिंग के ऊपर, उसके अंदर मैंने इंजन फ्लश करवाया था, तो बहुत से लोग मेरे को पूछ रहे थे कि कितने किलोमीटर पे हमें इंजन फ्लश करवाना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें देखनी चाहिए, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें इंजन फ्लश करवाना है या नहीं करवाना है और क्या सब चीज़ें हैं, तो ये वीडियो उसके ऊपर ही रहने वाला है। अगर आप भी अपनी कार के अंदर इंजन फ्लश करवाने का सोच रहे थे तो ये वीडियो को आपको एंड तक देखना है, तो आपके जितने भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मेरी कार अप्रॉक्सीमेटली 45,000 किलोमीटर चल चुकी है और ऐसा कुछ रिकमेंडेड नहीं होता है कि इतने किलोमीटर के बाद, बट 40-50 में बहुत से लोग नहीं भी कराते हैं, लोग 80 तक का वेट करते हैं या फिर 70-80 या फिर 1,00,000 के बाद भी बहुत से लोग इंजन फ्लश कराते हैं, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को अंदर से था कि मेरे को इंजन फ्लश करवाना है मेरी कार के अंदर, तो मैंने करवा लिया, ठीक है। और आपको अगर ऐसा है कि करवाना चाहिए, अगर आपकी इंजन की कंडीशन अच्छे से इंजन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो नहीं भी करवाएंगे तो कोई इशू नहीं है। जब आप थोड़े से और ज़्यादा किलोमीटर चला लेंगे अपनी कार को, लाइक 70 के या फिर 80 के, 80,000 तक, उसके बाद अगर आप कराएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अप टू यू। अगर आप अपनी कार का इंजन फ्लश 20,000 के बाद भी करवाना चाहते हैं तो आपकी कार है, जो आप बोलेंगे सामने वाले मैकेनिक जो है वो वही करने वाला है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप 70-80 में करवाएं अगर आपको कुछ भी नहीं, आप पैसे नहीं डालना चाहते हैं। बट अगर आप करवाना चाहते हैं तो मैंने 45 पे मेरी कार में फर्स्ट टाइम मैंने इंजन फ्लश करवाया, और इसके बाद क्या क्या प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखनी होती हैं, तो ये तो सबसे पहले तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि पेट्रोल का यूज करते हैं या फिर डीजल डाल लेते हैं इंजन फ्लश करने के लिए, बट वो सब चीज़ें आपको करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। मेरे हिसाब से तो आपको वो कुछ नहीं करना चाहिए। आपको क्यों अपने इंजन के साथ कोई भी नया पंगा खड़ा करना है, तो आप एक अच्छा सा इंजन फ्लश ले लीजिए, कोई भी आपको मार्केट में अच्छा सा मिल जाएगा, ठीक है। आपको कभी भी ये सब स्टैंडर्ड का इंजन फ्लश नहीं लेना है। इस वीडियो के और मैंने जो अपने इंजन फ्लश के अंदर यूज किया था वो वुर्थ का था इंजन फ्लश जो कि मैंने यूज किया था, ठीक है। और इसको यूज कैसे करते हैं और ये यूज करने के लिए आपको बाहर सर्विस सेंटर पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप घर पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप अपना इंजन ऑयल घर पे ही चेंज कर रहे हैं, ये इंजन फ्लश भी आप अपने आप ही यूज कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं अपनी कार को ले जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, जो हमारा जहां पे इंजन ऑयल डालते हैं उसी टैंक के अंदर आपको ये इंजन फ्लश को डाल लेना है, ठीक है। जैसे आप इसको डाल लेंगे उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि आपको आपके कार के इंजन को रखना है ऑन 10 से 15 मिनट तक, उसको चलते रहने देना है ताकि अच्छे से पूरे इंजन का जो अंदर का कंपार्टमेंट है उसके अंदर पूरा ये घूमे और जितनी भी डर्ट लगी होगी या जो भी गंदगी होगी वो अच्छे से ये पूरी की पूरी निकाल दे। और फिर जब आप नीचे जो आप नट खोलेंगे, जैसे ही आपका जो इंजन ऑयल है वो पूरा फ्लश हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद जब आप वो पूरा फ्लश हो जाएगा तो उसके साथ पूरी गंदगी भी फ्लश हो जाएगी। उसके बाद आपको फ्रेश इंजन ऑयल डालना है अपने कार के अंदर, ठीक है। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आपका इंजन ऑन रहना चाहिए 10 से 15 मिनट के लिए, उसके अंदर आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ताकि अच्छे से पूरी क्लीनिंग हो पाए। और उसके बाद जैसे ही आप उसको ड्रेन आउट कर देंगे तो आपको फ्रेश इंजन ऑयल डाल लेना है अपनी कार के अंदर। और इट इज वेरी मच रिकमेंडेड कि आपको अपनी कार के अंदर हमेशा एक अच्छे ब्रांड का इंजन ऑयल ही यूज करना चाहिए, कभी भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का कभी भी इंजन ऑयल तो आपको यूज करना चाहिए नहीं। 90% ऑफ इंजन के अंदर कोई भी टाइप का फेलियर देखा जाता है, वो इसीलिए देखा जाता है कि सर्विसिंग टाइम पे नहीं हुई है, और अगर सर्विसिंग भी होती भी है टाइम पे तो इंजन ऑयल गलत डाला गया। तो आपको इंजन ऑयल हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का अपनी कार के अंदर डालना चाहिए हमेशा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपके इंजन फ्लश को लेके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज हैं आपके मन में, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।